हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। सबसे पहले एक बार डायग्राम को समझते हैं। मान लीजिए किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ कुछ इस डायरेक्शन में होगी। ऐसे और उसकी जो डायरेक्शन होगी, फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ऐसे होगी। अब मान लीजिए इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट कोई है और वहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एक तो उसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, आर के परपेंडिकुलर, टेंजेंट टू दिस रिंग। और उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट बाई डिस्टेंस। करंट है आई, डिस्टेंस है आर, करंट बाई डिस्टेंस इन टू, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन आर डिस्टेंस पे जब हम निकालते हैं तो हमें फॉर्मूला मिला था म्यू नोट अपॉन 4 पाई करंट बाई डिस्टेंस इन टू साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। और 5 1 5 2 की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो हमें मिलेगा साइन 90 प्लस साइन 90 यानी कि 2। तो हम लिख सकते हैं इन टू, ये हमने डिराइव कर लिया, उसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम इसी पथ पे ऐसे कंप्लीट एक चक्कर लगा के आएंगे और इस डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो हम स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल ले लेते हैं। स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं, छोटा सा डीएल, तो डीएल और बी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल की वैल्यू है 0 डिग्री। और यहाँ पे अगर हम बी डॉट डीएल की वैल्यू निकालें, बी डॉट डीएल की वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगी बी डीएल कोस 0 डिग्री। और ये वैल्यू अगर हम इंटीग्रेट कर दें अराउंड दिस क्लोज लूप तो वो बन जाएगा बी डॉट डीएल का क्लोज लूप। ये जो सर्कल है ये क्लोज लूप के लिए है, क्लोज लूप के दौरान इंटीग्रेशन। तो बी डॉट डीएल का क्लोज लूप के दौरान इंटीग्रेशन इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू दैट लूप, उस लूप से कितना करंट पास हो रहा है मल्टीप्लाई बाई दैट करंट, म्यू नॉट टाइम द करंट पासिंग दैट लूप। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, क्या मतलब हुआ, क्लोज्ड पाथ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल यानी कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स टू द टोटल करंट इन द क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ में फिलहाल करंट कितना जा रहा है, क्लोज्ड पाथ के अंदर से इसको कट करके करंट कितना जा रहा है आई, तो टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का मैथमेटिक्स है और यही इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में वही यहाँ पे फिगर को दोबारा से सारा एक्सप्लेन किया गया। लेट अस कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई। एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स वाई, जिसमें से आई करंट पास हो रहा है और हमने कंसिडर किया ये अपवर्ड जाने लग रहा है, कैरिंग करंट आई। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर। अब कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। एज वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, अब किसी पी पॉइंट के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड हम निकालें
ये पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे है और आर वेरी स्मॉल है और एक्स वाई कंडक्टर वेरी लार्ज है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई करंट बाई डिस्टेंस इंटू साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। ये 2 जो आया है ये आया है साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। ये जो स्पेशल केस बना था 5 1 और 5 2 दोनों अगर 90 डिग्री हो जाएं तो उस केस में साइन 90 प्लस साइन 90 वहां से निकल के आया 2। तो अब हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है, हम क्या निकालना चाहते हैं, बी डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रल। बी डॉट डी एल क्या होता है, बी डी एल कोस 0 डिग्री, क्योंकि डी एल और बी के बीच में 0 डिग्री एंगल है, कोस 0 1 होता है, तो इंटीग्रेशन बी डी एल। बी की वैल्यू पुट कर दें म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 और डी एल एज इट इज, कॉन्स्टेंट चीज़ों को बाहर रख लेते हैं, म्यू नोट अपॉन इस 2 से ये 4 कट गया 2 बचा हमारे पास, तो म्यू नोट अपॉन 2 पाई आर इंटू आई डी एल का क्लोज इंटीग्रल। अब डी एल का क्लोज इंटीग्रल क्या होगा, डी एल अगर सारे जोड़ दिए जाएं तो कंप्लीट लूप आ जाएगा, वो किसके इक्वल होता है 2 पाई आर के इक्वल होता है, आर अगर उसकी रेडियस है तो जहाँ पे हमें इंटीग्रल डी एल दिखेगा वहाँ पे 2 पाई आर ले सकते हैं, तो इसकी जगह पे हमने 2 पाई आर लिख दिया। अब ऑलरेडी 2 पाई आर था उससे ये कैंसिल हो गया, तो हमें हमारे पास बचा म्यू नोट आई, हम ये चीज़ लेके चले थे और ये हमें आर एच एस में मिल गया, यही तो हमें प्रूव करना था। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई, हेंस द रिजल्ट।